जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हुई हूँ। बेशक मेरा वजन नहीं बढ़ा लेकिन आजकल मैं खाना बहुत ज्यादा खा रही हूँ। तो आज हम लोग करने वाले पाकिस्तान के 5 फेमस ब्रांड का सबसे एक्सपेंसिव फूड ट्राई। मतलब कि मुझे जब पता चला मैं तो फाके पे चली गई। मैंने कहा कुछ नहीं खाना, भूखे पेट जाना है क्योंकि एक्सपेंसिव फूड ट्राई कर रहे हैं, तो भाई मैं एक्सपेंसिव बन के भी आई हूँ। सी आधे थोड़ी अमीर लग रही हूँ, मेरा तस्वीर भी खुले जा रहे हैं। खैर हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे वो 5 ब्रांड। मैंने रात को रिसर्च कर ली कि 5 ब्रांड कौन से हैं। हमारा पाकिस्तान का फेमस ब्रांड है हाउडी। मतलब इतना महंगा कि मेरे मुंह से नाम भी नहीं लिया जा रहा, देखने कितना महंगा होगा। हम जाएंगे यहाँ पर इनका सबसे एक्सपेंसिव फूड देखेंगे वो कौन सा है, और फिर उसके बाद वो ट्राई करेंगे और अपना रिव्यू देखेंगे भाई इतना महंगा है ये वर्थ इट है अभी कि नहीं है। फिर उसके बाद बाकी फेमस ब्रांड्स को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि भाई हमारे पाकिस्तान के कौन कौन से फेमस ब्रांड है और उनका सबसे महंगा खाना कौन सा। तो सबसे पहले चलते हैं और खाना ढूंढते हैं। खुल जा सिम। तो भाई ये है इनकी एंट्रेंस, लिफ्ट से ऊपर आना है क्योंकि महंगा रेस्टोरेंट है, पैसे लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले जो है ये इनका एम्बियंस है, ठीक है। इधर भी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आओ। तो ये देखो भाई, क्योंकि आप महंगा खाना खाने आए महंगे रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने आपको एक जगह दी है जहाँ पे आप खिचक 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 फोटोज भी खींच सकते हैं, लेकिन हम सीधा खाने के लिए आए, तो हम खाने के लिए चलते हैं। लेट्स गो। अब हम लोग आ चुके हैं, अब बारी आ रही है ऑर्डर देने की। तो सबसे पहले ऑर्डर देते हैं। ये आप मेरे आगे मेन्यू तो ऐसे रख रहे हैं जैसे मैं देखूंगी और सोचूं कि क्या खाऊं क्या खाऊं। अच्छा मुझे ये बताएं सबसे एक्सपेंसिव जो आपका फूड आइटम है वो क्या है? आप देख रहे हैं कि चिकन जो सबसे महंगा है ना वो आज बैगन। तो स्टेक में बताएं, स्टेक तो कितने का है? सबसे महंगा है कितने का? 1397 का। 1397 की जो है वो सबसे इनकी एक्सपेंसिव चीज है। वैसे मेरा नहीं ख्याल एक्सपेंसिव है। अंकल मैं गरीब हूँ। चलिए ये ले, शुक्रिया। अब खैर हम लोगों ने एक चीज़ जो है वो इनकी ऑर्डर कर ली है, सबसे एक्सपेंसिव है तो वो 1397 की। इसको हम राउंड ऑफ करें तो बन जाता है 1400 रुपये। अब देखते हैं कि 1400 रुपये में क्या है जो सबसे एक्सपेंसिव आता है और वो इतना वर्थ इट है भी कि नहीं, खाने में अच्छा है भी कि नहीं, कि पैसा बर्बाद हो चुका है मेरा ये अब हम देखेंगे जब खाना आएगा तब। ओके अभी सिर्फ 1400 की मैंने बात की और मेरा तस्मा खुल गया है। अगर मैंने इससे ज़्यादा कुछ महंगा खाया तो मुझे लगता है मैं पूरी खुल जाऊँगी। मतलब इतनी महंगी चीजें आज मैं खाने वाली हूँ, और जैसे मुझे पता चला आज हम एक्सपेंसिव फूड ट्राई करने वाले हैं वो भी पाकिस्तान के फेमस ब्रांड का। तो सबसे पहले जो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे आधा ग्लास पानी पिला दें, इसके अलावा मैंने एक कतरा भी खाने का नहीं खाया क्योंकि जब जब खाने की बात होती है निमरा जो है वो रोजा रख लेती है पूरे एक दिन का, ताकि जब मैं यासिर के साथ जाऊँ तो जम के खाऊँ। तो अब जो है वो हम लोग बस खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुँह हाथ में धो के आ गई हूँ, मेकअप भी मैंने आज किया है महंगे वाला क्योंकि महंगा फूड ट्राई कर रहे हैं। वुमेन खड़ा। तो हमारा महंगा स्टेक जो है वो आ गया, पूरे 1400 मैंने पे इन्वेस्ट किए हैं इस चिकन स्टेक पे। मुझे लगा था बीफ होगा लेकिन खैर ये चिकन स्टेक है जिसके अंदर हमारे पास ये दो गोल गोल बोटियां हैं, ऊपर पता नहीं कुछ रखा हुआ है, और साथ में फ्राइज है और ब्रोकली गाजर और ये कद्दू के मैंने 1400 रुपये दिए हैं। खैर हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भैया 1400 पूरे हो गए कि बर्बाद हुए, क्योंकि महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं महंगा खाना खा रहे हैं तो महंगे तरीके से खाएंगे। अगर मैं घर होती तो यकीन करें मैंने हाथ से खाना था। अच्छा है, बिल्कुल मेरे टाइप का। नाइस। हाउडी में आके अगर मैंने 1400 इन्वेस्ट किए ना तो भाई वो मेरे जाया नहीं हो रहे, वो अच्छा है। Six and a half hours later. भाई खोदा पहाड़ और निकला पास्ता। ये देखो मैंने इस स्टेक को हटाया तो नीचे उन्होंने पास्ता भी दिया हुआ है, मतलब 1400 में आपको बड़ा कुछ मिल रहा है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेशन पे। स्टेशन मतलब समझ रहे हैं खाने वाला स्टेशन। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब बारी आती है बिल लेने देने की, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने खाया था 1400 का लेकिन उसमें जीएसटी वीएसटी ऐड करके पानी जो कि बोतल लिया उसको ऐड करके देखते हैं क्या बिल बनता है। 1621 कैसे बन गया? 1400 से 1621 कैसे? तो मैं कार से बिल कर, तो कितना बिल बनेगा फिर? 1467। बहुत शुक्र है, मुझे हार्ट अटैक आने लगा था। एक तो महंगी चीज भी इनकी खाओ और ऊपर से इनको जीएसटी भी दो। चलो 1400 इतने, इसको दे दो, मैं इसको अपनी बुक में रख लूंगी ना। मतलब जब भी आप महंगी चीज खाए ना तो उसको अपने साथ लेके जाएं ताकि घर जाके हिसाब किताब कर लें। चलो चलते हैं नेक्स्ट। तो हम आगे पाकिस्तान के दूसरे फेमस ब्रांड पे। ये पाकिस्तान के नहीं हर जगह का फेमस ब्रांड है, डोमिनोज पिज्जा।
दो महीने ना खाया तो फिर क्या जिया ऐसे कुछ करके इसकी वो थी एक राइम, लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। है डोमिनोज जो है वो अपनी पिज्ज़ा की वजह से फेमस है, तो हम लोगों ने स्टेक ट्राई कर लिया था। अब मैंने सोचा कि क्यों ना पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया जाए, तो हम देखते हैं कि इनका एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा कौन सा है और वो उतना अच्छा है भी कि नहीं, या फिर पैसा बर्बाद। चलो तो महंगेस्ट पिज्जा, महंगेस्ट समझते हैं ना वो पिज्जा, हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सबसे महंगा पिज्जा मेन्यू? सबसे महंगा पिज्जा 3200 का है। कौन सा है बताओ, क्या नाम है इसका? टेक्स मैक्स। टेक्स मैक्स महंगा है? शक्ल महंगी लगती है इसकी? जी जी, शक्ल महंगी लगती है। चलो फिर एक ये कर दो 3200 का। वैसे महंगा तो नहीं लग रहा, खा के दे देंगे। महंगा नहीं लग, महंगा लग रहा पिज्जा 3200 का यार। चलो देखते हैं महंगा है अभी के नहीं। ये क्या है? इतना छोटा पिज्जा जो आपने बोला था मैंने आपको वही दिया था। ये महंगा पिज्जा तो मतलब छोटा पिज्जा है? जी जी, स्पेशल पिज्जा है, आप पहले खा के चेक करें, बेस्ट है इसको। तो प्लेटें भी नहीं दी, ये क्या दिया? प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं। भाई इतना महंगा पिज्जा खाने आओ तो साथ में आपको प्लेट्स भी नहीं मिलती। ठीक है, पानी की बोतल भी फिर ला ही दें आप। जी जी। खैर यार ये देखो, ये 3200 का पिज्ज़ा, ऐसा लग रहा है मैंने 3200 दिए हैं इनको कि उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा, इससे तो मेरी दाढ़ भी ना गीली हो। ये तो मेरे हाथ जितना भी नहीं है, इतना छोटा पिज़्ज़ा। भाई देख लो 3200 का पिज़्ज़ा देख लो, और प्लेटें भी नहीं दी और कैचअप। अच्छा 3200 का अगर आप पिज़्ज़ा दे रहे हैं तो आपको साथ में चिली फ्लेक्स, चिली गार्लिक और कैचअप सॉस मिलेगी। ठीक है, तीन कैचअपें मिल रही हैं। कैचअपें हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। या अल्लाह प्लीज 3200 मेरा वो करवा दे, पूरा करवा दे। मजेदार। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं 3200 बहुत औकात से बाहर है। ये पिज्जा ना हद 600-700 का होना चाहिए था, 3200 महंगी चीज़ें बस साल में एक ही बार ट्राई करती है तो कौन नहीं चलता। अगर महंगी चीज़ खरीदी है तो कैचअप भी डाल के खाएं। तो भाई टिश्यू यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 3200 का पिज़्ज़ा खाया है। खैर अगर आप 3200 का पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ऐसा पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो वो बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि इसकी डो बड़ी अच्छी थी, इसके ऊपर जो स्टफिंग की हुई थी वो बहुत मज़े की थी, तो पिज़्ज़ा ओवरऑल बहुत अच्छा था। एक्सक्यूज़ मी, बिल लें। जब तक मैं बिल कर रही हूँ तब तक आप गेस करें कि वो तीसरा ब्रांड कौन सा हो सकता है और कितना महंगा हो सकता है उसका खाना। एक तो मैं आई लाहौर की एक ऐसी महंगी जगह पर हूँ, एम ए मालम रोड, जहाँ पे सब कुछ ही महंगा है। गरीब लोग यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल लेकर भी नहीं आते हैं, सिर्फ गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। खैर अब हम लोगों का जो तीसरा ब्रांड है वो है OPTP, वन पोटैटो टू पोटैटो। इनकी जो स्पेशलिटी है ना वो आलुओं में मतलब नाम ही OPTP घुसा था। इनकी फ्राइज मैंने खाई है, वो बहुत अच्छी होती है। खैर आज क्योंकि मैं इनकी सबसे महंगी चीज़ खाने वाली हूँ तो वो मैंने नहीं खाई होगी क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनका सबसे एक्सपेंसिव फूड कौन सा है और वो अच्छा है भी के नहीं। और मेरे ख्याल से मैं खाऊंगी बर्गर, सो लेट्स सी के विच वन इज द एक्सपेंसिव बर्गर। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका सबसे महंगा जो मील है आपके मेन्यू में वो कौन सा है? न्यू मामाया बर्गर है, डबल सेवन, वो ट्राई कर लिया। कितने का है? महंगा है? शक्ल महंगी है उसकी, दिखता महंगा है। अच्छा इनकी क्या है? 1190 मतलब 1200। चलो एक कट दो, इधर ही बैठ के। अच्छा ये पहला ऐसा ब्रांड है जिसको मुझे पहले पैसे देने पड़े हैं। इनका लगता है कि हम चोर हैं, इनका बर्गर लेके भाग जाएंगे, ये हमसे पहले ही पैसे ले रहे हैं। खैर ये ले। तो हमारा जो महंगा बर्गर था वो आ चुका है, और ये मैं बताऊँ सच्ची में महंगा लग रहा है। पूछें क्यों? क्योंकि मैंने आज तक बर्गर जो है वो इस तरह से बॉक्स में नहीं खाना, इतना प्यारा ऐसा लग रहा है। फिर मेरे लिए तोहफा लेकर आया है और अब हम इसको इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई 1200 खर्च किए हैं एक बर्गर पर। तो बिस्मिल्लाह। It is so pretty. मतलब ये डिब्बा इतना प्यारा, दिल करे इसको खाओ ही ना, बस ऐसे ही घर लेके जाओ। महंगा जो है भाई साहब। वैसे OPTP के जो बर्गर होते हैं ना वो बड़े छोटे छोटे होते हैं। ये पहला बर्गर है मेरी ज़िंदगी का OPTP का जो मैं खा रही हूँ, और जो बड़ा भी लग रहा है मुझे, और लग रहा है कि निमरा का पेट इससे भर ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं खाना। तो भाई अब जो है वो हम इसको ट्राई करते हैं, इससे पहले ये ठंडा हो जाए। ठीक है, इसका मुआयना मैं आपको करना चाहती हूँ। मैं इसके अंदर इन्होंने चीज़ पिकल सॉस और बीफ बर्गर है। ठीक है, आई कांट वेट टू ट्राई इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक मजा
बर्गर जितने भी बीफ बर्गर खाए हैं उनसे सबसे बेस्ट था। मजेदार जूसी है, टेंडर है, बस मजेदार। A few inches later. भाई अब जो है मेरा दिल तो नहीं कर रहा खाने को क्योंकि मेरा पेट जो है फट चुका है। इतनी मजे मजे की चीजें यहाँ खाने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी हम ट्राई करेंगे। हमारे दो फ्रेंड्स अभी रहते हैं तो अब हम खाएंगे कुछ मीठा और कुछ पिएंगे क्योंकि खा तो लिया है। अब बारी आती है पीने की। मैंने तीन बार चीजें खाई हैं लेकिन मैंने पिया कुछ नहीं है क्योंकि हम महंगी चीज पिएंगे क्योंकि आज निमरा महंगी हुई है तो हम चलते हैं और कुछ महंगा पीते हैं। अब जो है हम खाने नहीं, अब हम पीने जा रहे हैं। कितने का अंकल ये? 50 रुपए का, इतना महंगा, अस्तगफिरुल्लाह। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम पीने आए तो भाई हम लोग कोई ऐसा ब्रांड देख रहे थे जहाँ पे पीने वाला कुछ मिल जाए और वो है ओडी। ओडी ये ना समझिएगा कि ये ऑडी गाड़ी है, ये है ऑडी ओवरडोज ऑन हैप्पीनेस। मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा मीठा खाने पीने वाला मिलता है तो हम देखते हैं कि भाई इनका एक्सपेंसिव जो आइटम है पीने वाला वो क्या है और फिर हम उससे अपने पेट को भरेंगे। प्यास लगेगी अभी बहुत ज़्यादा। अच्छा खाने का मुझे नहीं पता लेकिन ये जगह ही मुझे महंगी लग रही है तो यहाँ पे हमें पक्का कुछ महंगा ही मिलेगा और मुझे लगता है कि इस बार कूना तो होकर ही रहेगा। अब देखते हैं कि इनका पीने वाला जो है वो सबसे महंगा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं आपके पास पीने में जो है वो आपके मेन्यू में सबसे महंगा क्या है? ठंडा है? नहीं नहीं यार ठंडा, मैं वैसे इतनी गर्मी है मुझे ठंडा पिलाओ, कुछ ठंडा महंगा हो। बेल्जियम है और मिक्स बेरी शेक। आप मिक्स बेरी शेक, थोड़ा खट्टा मीठा होगा? हाँ मिक्स बेरीज करते हैं। भाई हम लोग देखें, हम इनकी प्रीमियम गेलाटो शेक्स में से एक शेक मैंने ऑर्डर किया है महंगा, 790 रुपये की। मैं पहली बार एक शेक पी रही हूँ, वरना मैं 500 से ऊपर कभी गई नहीं। 500 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, 400 से ऊपर मैं कभी भी नहीं गई। तो यहाँ बैठते हैं और देखते हैं कि 790 का कैसा होगा। Tomorrow. आ जाओ इधर रख दे, इधर ट्रे भी दो यार, 790 रुपये दिए, ट्रे भी दो, ट्रे रखो। ये देखो भाई ट्रे में अच्छा लगेगा। अच्छा जी ये है मेरा एक्सपेंसिव फूड फ्रॉम ओडी ओवरडोज। 790 है ना तो मैं इसको 800 रुपये ही कंसीडर करूँगी, 10 रुपये क्या कर लेंगे हम। 800 स्ट्रेटेजी आपने देखी इनकी। खैर अब हम इसको पीते हैं और अब बताते हैं कि कैसा है। इससे पहले हम इसके साथ एक तस्वीर खींच लेंगे। हाँ फोटो खींच वुमेन को पीते हैं। बिस्मिल्ला। सही है, मतलब 800 रुपये बहुत ज़्यादा है, हद 100 रुपये होना चाहिए था। मतलब क्या है इसमें, ऐसा लग रहा है जामी शीरी का बीच में सोडा डाला हुआ है और ऊपर वो व्हिप्ड क्रीम डाल दी। मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मेरा 800 रुपये बर्बाद हो गए। फिर भी मैं पीऊँगी इसको एंड तक क्योंकि 800 रुपये तो देने ही है ना। जैसा इनका शेख है मेरा दिल कह रहा है गिव मी माय मनी बैक, गिव मी माय मनी बैक। Women. तो अब हम लोग आ गए पाकिस्तान के सबसे लास्ट वाले फेमस फूड ब्रांड पर जिसका नाम है सबवे। सबवे मेरा ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है, ये अमेरिकन ब्रांड है जहाँ पे आपको हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे इनकी वैरायटीज होती हैं, आप फुट लॉन्ग लेना चाहते हैं या फिर हाफ लेना चाहते हैं, उस हिसाब से होता है। ये मैंने ट्राई किया हुआ है लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने ट्राई करूंगी। तो अब हम देखते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में सबसे महंगा क्या है और वो खरीदेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कैसे हैं आप? देखें एथिक्स है निमरा अली में अभी। अच्छा मुझे बताएं आपके मेन्यू में सबसे एक्सपेंसिव आइटम फूड आइटम कौन सी है? चिकन 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 महंगा लगता है, दिखता है महंगा। जो भी महंगा है ना वो एक कर दो फुट लॉन्ग, ठीक है? कितने का है? 1430 रुपये है ना। तो ये हमारा चिकन तरियाकी सैंडविच जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको खाएंगे और ट्राई करेंगे कि भाई क्या तरियाकी तरीकी है। नाम तो मतलब पैसे ज्यादा तो ये नाम भी ना ऐसे मुश्किल से लग रहा था कि फील आए कि भैया महंगी चीज़ खा रहे हैं। खैर मतलब इसकी जो हाइट है, हाइट ही कहते हैं ना,
हाइट जो है काफ़ी अच्छी है, फुट लॉन्ग में तो ये दो बंदे खा सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि 1430 एक अच्छी प्राइस है जिसमें आप दो बंदे अपना पेट भर के खाना खा रहे हैं। तो अब जो है हम इसको ट्राई करेंगे। एक अच्छा क्रिस्पी यम्मी डिलीशियस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ का टेस्ट आ रहा है, बहुत मजेदार किस्म का। और 1400 मेरे से पूछा तो ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं इतना खाना खाकर मैंने बड़े महंगे महंगे खाने खाया और वो भी बेकार। तो ये अच्छा खाना nice. ये अंग्रेजों का खाना है, पता नहीं पाकिस्तान में क्यों ये ब्रांड फिरा पड़ा। तो अब मैंने इतना ज्यादा खा लिया कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे अंदर बोलने की शक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा नाम निम्रारी है, स्पीडो मशीन तेज बोलने वाली, सब मुझे इस नाम से जानते, तो फिर भी मैं खाकर इतना ज्यादा बोल सकती हूँ। तो ये था हमारे 5 फेमस ब्रांड का रिव्यू जिनका हमने एक्सपेंसिव फूड ट्राई किया। और मेरा तो सबसे अच्छा रिव्यू है, मतलब जिन पे मैंने पैसे खर्च किए वो सब अच्छे थे। लेकिन एक चीज अच्छी नहीं थी, वो था ओडी ओवरडोज, जिसका मैंने शेक ट्राई किया। उसका नाम ओडी नहीं, ओएम होना चाहिए था, ओवर मनी, क्योंकि पैसे ज्यादा है और टेस्ट अच्छा नहीं है। शायद उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बाकी क्योंकि वहाँ पर रश लगा हुआ था, तो शायद बाकी चीज उनकी अच्छी हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के फूड ब्लॉग्स बनाया करूँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैंने सोचा है कि मैं आगे जाकर जो है वो लीस्ट आइटम्स ट्राई करूँ, मतलब जिनके पैसे सबसे कम हो और सबसे कम फेमस ब्रांड हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक मैं बहुत सारे खा रहे हैं, में याद रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएंगे।